वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट यानी सारणिक के अनुप्रयोग। सारणिक के अनुप्रयोग से रिलेटेड हमारा आज का जो टॉपिक है यानी जो अभी तक हमने डिटरमिनेंट पढ़ा है उस डिटरमिनेंट का यूज कहां पर है। तो सबसे पहले जो इसका यूज है वो है किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इफ यू हैव थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि आपके पास किसी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दे रखे हैं x1, y1, b, x2, y2, and c, x3, y3। We have three vertices of a triangle, then find the area of triangle. अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम तो 10th क्लास में भी कर गए हैं। यदि किसी ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस दे रखे हैं तो 10th क्लास में हम तो क्वेश्चन करके आए हैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन यदि आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट की हेल्प से आपका जो है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आता, और वो जो फॉर्मूला है वो भी आपका इसी की हेल्प से गया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी इसको जो सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को जो सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो हमारा आएगा वही हमारा क्या है इस ट्रायंगल का एरिया होगा जिसके क्या है तीनों वर्टिसेस है। अब वही एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कोलिनियर, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए वही क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि बिंदु संरेख है, यदि बिंदु संरेख होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब 1/2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह से करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू x1 y1 and x2 y2। ये इसके बारे में कहोगे कि सर ये तो हम 11th क्लास में पढ़ गए रेखा के समीकरण, दो बिंदु से पास होने वाली रेखा के समीकरण, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन दो बिंदु से पास होने वाली रेखा के समीकरण को हम जो पढ़ के आए हैं उसके अलग फॉर्मूला था, स्लोप के फॉर्म में था, प्रवणता के फॉर्म में था। अब यहाँ पर हम यदि डिटरमिनेंट की हेल्प से देखते हैं तो वो होता है आपका x1 y1 x2 y2 इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है और ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो ये है आपके एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स जहां पर हमें डिटरमिनेंट के हेल्प से किसी ट्रायंगल का एरिया
और या किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारी वो है क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अभी लेता हूँ। और ये टॉपिक आपको, हाँ पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ के आए हैं और जो ये है वो कोई अलग नहीं है, सेम है। देखिए किस तरीके से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये दोनों सेम कैसे है। देखिए यदि मैं इसको कॉलम C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड C1, तो C1 के रेस्पेक्ट में जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो किस तरह से होगा, देखिए X1 फर्स्ट ये जाएगा, ये जाएगा, तो Y2 माइनस Y3, फिर माइनस, क्यों, क्योंकि ये हमारी पोजीशन है 2 1 2 1, ऑड नंबर है, 2 और 1 दोनों का सम 3 आता है, ऑड नंबर है। बताया था आपको कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो X2। अब जब X2 को लेंगे तो X2 के लिए ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, तो यानी Y1 माइनस Y3 प्लस X3। X3 के लिए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो जाएंगे, तो Y1 माइनस Y2। X1 Y2 माइनस Y3। अब यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, X2 Y3 माइनस Y1 और प्लस X3 Y1 माइनस Y2। ये 10th क्लास में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, यदि आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपका ये था, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ से आया है, डिटरमिनेंट्स की हेल्प से ही आया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड अब एक्सरसाइज हम 4.3 करते हैं, और ये आपको एप्लीकेशन और डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड और स्ट्रेट लाइन और कोलिनर।